नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से IRCTC की नई टिकट बुकिंग सर्विस सेवा शुरू की गई है QR कोड की सहायता से, इसकी जानकारी आपके साथ जो है शेयर करूंगी। दोस्तों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा रेल यात्रियों के लिए अनारक्षित टिकट यानी अनरिजर्व टिकट बुकिंग के लिए जो है QR कोड आधारित नई सेवा प्रारंभ की गई है। QR कोड अर्थात जो है क्विक रिस्पॉन्स सर्विस। तो इसके द्वारा दोस्तों QR कोड आधारित टिकट बुकिंग सेवा की शुरुआत जो है प्रथम चरण में नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे के 12 स्टेशन पर शुरू की गई है और शीघ्र ही अन्य रेलवे स्टेशन पर भी यह सेवा शुरू करने की योजना है IRCTC की। तो अब प्लेटफॉर्म टिकट और जनरल टिकट लेने के लिए कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इससे यात्रियों के समय की बचत होगी। तो दोस्तों, नई सेवा के तहत स्टेशन पर QR कोड लगा होगा और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बोर्ड पर QR कोड लगा होगा और टिकट बुक करने के लिए जो है जो भी यात्री टिकट बुक करना चाहेंगे उन्हें अपने स्मार्टफोन से इस कोड को स्कैन करना होगा और ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। इसके बाद जो है ऐप में रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होगा उस पर बुक्ड टिकट का नंबर SMS के जरिए प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, QR बेस्ड टिकट बुक करने के लिए अपने स्मार्टफोन में आपको जो है UTS ऐप डाउनलोड करना होगा। UTS अर्थात अनरिजर्व टिकट सिस्टम। तो अनरिजर्व टिकट सिस्टम ऐप आपको डाउनलोड करना होगा और ये ऐप जो है एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन, विंडोज और iOS बेस्ड स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया जा सकेगा और ऐप से पेपरलेस और बुक एंड प्रिंट दोनों तरह के टिकट बुक किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस QR आधारित टिकट बुकिंग सेवा अभी उत्तर पश्चिमी रेलवे के 12 स्टेशन जयपुर, आबू रोड, अजमेर, दुर्गापुर, उदयपुर सिटी, अलवर, गांधीनगर, रेवाड़ी, संगनेर, जोधपुर, लालगढ़ और बीकानेर रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है और ये केवल इन्हीं जगहों के जो यात्री हैं वो UTS ऐप स्मार्टफोन में डाउनलोड करने के बाद जो है QR कोड की सहायता से टिकट बुक कर सकेंगे। तो QR बेस्ड अनारक्षित टिकट सिस्टम के प्रयोग से जो है टिकट बुक करने के लिए स्मार्टफोन में आपको यदि आप एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आपको जो है गूगल प्ले स्टोर से UTS ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद इंस्टॉलेशन पूरी होने के बाद जो है आपको ओपन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद जो है इस ऐप में रजिस्टर करना होगा। तो यह UTS ऐप द्वारा पेपरलेस टिकट और बुक एंड प्रिंट दोनों प्रकार के टिकट बुक किए जा सकेंगे। तो ऐप के जरिए सीजन टिकट यानी जो 160 किलोमीटर के दायरे में MST लोग करते हैं, अप डाउन करते हैं, उस प्रकार की जो टिकट होती है वो बुक की जा सकेगी यात्रा करने के लिए और इसके अतिरिक्त जो है प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक किया जा सकेगा। जो प्लेटफॉर्म के अंदर आने के लिए टिकट लेना होता है तो वो प्लेटफॉर्म टिकट दोनों प्रकार की जो है टिकट बुक किए जा सकेंगे और इन दोनों टिकट के लिए जो है पेपरलेस टिकट यानी केवल उसका प्रिंटआउट नहीं निकाला जा सकेगा, ऐसा टिकट बुक कर सकते हैं और प्रिंटआउट निकाला जा सके ऐसा भी टिकट बुक करने का ऑप्शन होगा। तो बुक टिकट विकल्प के अंतर्गत यदि पेपरलेस टिकट यात्रा के लिए बुक करना है आपको तो
स्टेशन से 5 किलोमीटर की रेंज में ही ये बुक किया जा सकेगा, यानी 5 किलोमीटर के दायरे में आप यदि हैं तभी आप जो है पेपरलेस टिकट यात्रा करने के लिए सीजन टिकट के अंतर्गत जो है या जर्नी टिकट का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करके आप पेपरलेस टिकट बुक कर सकेंगे। और जबकि पेपरलेस टिकट आपको प्लेटफॉर्म के लिए यदि लेने के लिए बुक करना है तो स्टेशन परिसर से जो है 2 किलोमीटर के दायरे में आप रहेंगे तभी बुक कर सकते हैं। यदि 2 किलोमीटर के दायरे से ज़्यादा दूरी पर हैं तो पेपरलेस टिकट बुक नहीं कर सकेंगे, प्लेटफॉर्म टिकट यदि बुक करना है पेपरलेस तो। और यदि जर्नी करने के लिए पेपरलेस टिकट बुक करना है तो 5 किलोमीटर के स्टेशन से जो है 5 किलोमीटर के दायरे में रहने पर जो है बुक कर सकते हैं, 5 किलोमीटर से कम या 5 किलोमीटर तक के दायरे में रहकर बुक कर सकते हैं। और बुक एंड प्रिंट टिकट बुक करने के लिए ऐसा टिकट जो बुक करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, तो बुक एंड प्रिंट टिकट बुक करने के लिए कोई दायरे की सीमा नहीं निर्धारित की गई है, यानी आप उस बुक एंड प्रिंट टिकट को कहीं से भी बुक कर सकते हैं। और टिकट की बुकिंग आईडी के साथ जो है अनडिटेल भी आपके मोबाइल फ़ोन पर जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होगा उस पर मैसेज के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा बुक एंड प्रिंट टिकट के अंतर्गत टिकट बुक करने पर। और इसके बाद जिस स्टेशन के लिए आपने टिकट बुक किया होगा वहां जाकर आपको AVTM मशीन या OCR मशीन के जरिए टिकट का प्रिंट आउट निकालना होगा। और इसके अतिरिक्त आप UTS स्टेशन पे जो UTS बुकिंग काउंटर होगी वहां से भी टिकट की हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकेंगे। तो पेपरलेस प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी जो होगी वो 2 घंटे तक की ही होगी। तो और दोस्तों UTS ऐप से पेपरलेस टिकट बुक करने पर टिकट कैंसिल नहीं किया जा सकेगा। यदि आपने प्रिंट विकल्प के अंतर्गत जो है टिकट बुक किया है बुक एंड प्रिंट विकल्प के अंतर्गत तो आप टिकट का प्रिंट निकाल लिए हैं और इसके बाद आप कैंसिल करना चाहते हैं तो टिकट बुक करने के 1 घंटे के अंदर ही आप जो है UTS बुकिंग काउंटर पर जाकर टिकट कैंसिल करवा सकते हैं। किंतु जो है यदि आपने पेपरलेस टिकट के अंतर्गत जो है टिकट बुक किया है तो आप कैंसिल नहीं करवा पाएंगे। और टिकट कैंसिल करने पर रिफंड जो है आपके मोबाइल ऐप में UTS मोबाइल ऐप में जो दिए हुए आर वॉलेट का ऑप्शन होगा रेलवे वॉलेट का उसमें ये जो है क्रेडिट होगा। और दोस्तों इसके अंदर अतिरिक्त जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन पर UTS ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे यदि एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, और यदि एप्पल बेस्ड iOS बेस्ड मोबाइल स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐप स्टोर से जाकर जो है UTS ऐप डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन पर। और इसके बाद रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करके जब ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो ओपन विकल्प पर क्लिक करेंगे और इसके बाद लॉगिन विकल्प दिया होगा लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके लॉगिन विकल्प के अंतर्गत जो है रजिस्टर का ऑप्शन दिया होगा तो आप रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करके पहले इस ऐप में रजिस्टर आपको करना होगा तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा। रजिस्टर विकल्प पर जब क्लिक करेंगे तो इसके अंतर्गत आपको जो है फॉर्म में मोबाइल नंबर नाम जेंडर पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। तो दोस्तों यदि आप एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको जो है गूगल वेब ब्राउज़र पर जाकर या गूगल क्रोम में जाकर या आपके स्मार्टफोन में जो प्ले स्टोर का आइकन होगा उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है आप गूगल प्ले स्टोर से जो है UTS ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। और इस UTS ऐप को आप जो है इस तरह का जब आप गूगल प्ले स्टोर आइकन पर क्लिक करेंगे तो UTS ऐप
इस तरह का आएगा, उस पर आपको इंस्टॉल करना होगा इस ऐप को। और इसमें इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह से जो है लॉगिन करना होगा। तो आप जो आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर दिया होगा और पासवर्ड बनाया होगा, और उसके बाद आपको अपना जेंडर लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, नाम लिखना होगा, और टिक करना होगा चेक बॉक्स को, और फिर जनरेट ओटीपी विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो जब आप जनरेट ओटीपी विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पर जो आपने नंबर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उस पर ओटीपी का मैसेज आएगा। तो ओटीपी का मैसेज लिखने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और इसके बाद आपके जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूज़र आईडी का मैसेज आएगा। तो उस यूज़र आईडी और अपने जो है जो आपने पासवर्ड बनाया होगा उसकी सहायता से आपको जो है लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद जो है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह का आएगा। जनरेट ओटीपी करना होगा आपको, और जनरेट ओटीपी करने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो उसके अंतर्गत आपको बुक टिकट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और कैंसिल टिकट तो इसमें हो नहीं सकता, इसके लिए आपको यूटीएस काउंटर पर जाना होगा। और बुकिंग हिस्ट्री के अंतर्गत जाकर आप अपनी जितनी भी टिकट बुक की है वो देख सकेंगे। और आर वॉलेट में अगर आप कैंसिल टिकट करवाएंगे यूटीएस काउंटर से, तो और आर वॉलेट में जो है आपका रिफंड आएगा, प्राप्त होगा। तो आप आर वॉलेट पर क्लिक करके अपना रिफंड कितना पैसा है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। और शो बुक्ड टिकट के विकल्प पर, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है टीटीई को टिकट अपना दिखा सकेंगे। और किसी तरह की सहायता प्राप्त करना हो तो ये हेल्प विकल्प पर क्लिक करके आप जो है सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अतिरिक्त जो है बुक टिकट ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन पर पेज खुलेगा, बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस बुक एंड प्रिंट पेपर। तो आपको पेपरलेस करना है तो आप पेपरलेस पर क्लिक करेंगे, और प्रिंट पेपर बुक एंड प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके इस ऑप्शन के जरिए टिकट की हार्ड कॉपी भी चाहिए तो आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है आपको QR कोड की सहायता से जो टिकट बुक करना है तो आपको बुक टिकट विकल्प पर क्लिक करना होगा। और बुक टिकट विकल्प पर क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन पेज खुलकर आएगा, और इसमें QR कोड इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। QR कोड विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ट्रेवल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट दो तरह के ऑप्शन आएंगे। तो दोनों तरह के ऑप्शन में से आपको जो है चुनना होगा। ट्रेवल टिकट लेना है तो ट्रेवल टिकट पे क्लिक करना होगा। तो ट्रेवल टिकट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो है QR कोड स्कैन करने का जो है कैमरा खुल जाएगा, और आपको QR कोड स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड से QR कोड स्कैन करना होगा। और स्कैन करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है टिकट का नंबर, टिकट बुक्ड टिकट का नंबर आ जाएगा। और उसके बाद आपको जो है पेमेंट ऑनलाइन करना होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग UPI से आप कर सकते हैं, या इसके अतिरिक्त आपके और वॉलेट में पैसा है तो आप और आर वॉलेट से भी जो है टिकट का पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपकी टिकट बुक हो जाएगी, और शो टिकट ऑप्शन पर क्लिक करके आप स्टेशन पर जो है TTE को अपना टिकट दिखा सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी YouTube चैनल सीखे.com को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि योजना की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।